नमस्कार, मैं हूं रमेश भट्ट। आप देख रहे हैं देवभूमि डायलॉग, और देवभूमि डायलॉग में आज हम बात करेंगे सुरसरगम में, जिन्हें आप अमूमन सोशल मीडिया में देखते हैं, उत्तराखंड के कल्चर को लेकर काम करते देखते हैं। आज हमने आमंत्रित किया है देवभूमि डायलॉग के स्टूडियो पर स्वरागनी उप्रेती सिस्टर्स को। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है, ज्योति जी और नीरजा जी, और बहुत अच्छा लग रहा है कि आज आप देवभूमि डायलॉग के मंच पे हैं और आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और जो उत्तराखंड के कल्चर को आगे बढ़ाने का आपने बीड़ा उठाया है, उसके लिए आप दोनों बहुत साधुवाद के पात्र हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। और शुरुआत में ज्योति जी आपसे करना चाहूँगा, ये जो शुरुआत हुई, जितना मैं आपके बारे में जानता हूँ, आपने बचपन से ही आपको गाने का शौक था। नमस्कार रमेश जी, और मेरा उत्तराखंड जतु सुनने छन और वह बिहार जतु लका सुनने सबके मेरे प्रणाम। जैसे आपने पूछा कि मेरे को बचपन से संगीत का शौक था, तो संगीत मुझे लगता है कि मुझे मेरे परिवार से, जो एक मेरे माता पिता से मिला हुआ बहुत अच्छा उपहार, और उससे ज़्यादा एक ईश्वर की तरफ से मिला हुआ उपहार है। तो मन में एक वो अपने आप बीज कहते हैं ना, जब हम बीज मन के अंदर होता है तो धीरे धीरे फलता फूलता है, वो बड़ा होता है। तो यही मेरे साथ भी हुआ। छोटी थी जब मैं प्राइमरी स्कूल में पढ़ती थी, कक्षा 1, 2, 3 से आगे बढ़ते बढ़ते मेरे अध्यापकों ने मुझे हमेशा सहयोग किया। कक्षा 3 में पहली बार मैंने पिथौरागढ़ नगर पालिका के मंच पर गीत गाया, तो जिसको सुन के मुझे लगता है वहाँ के जिलाधिकारी महोदय मुझे खूब शाबाशी देने आए। मैं रोने लगी थी डर के मारे, क्योंकि छोटी सी उम्र और इतने सारे लोग सामने देख करके मैं सच में डर गई थी। लेकिन वो संगीत धीरे धीरे मेरे माता पिता के सहयोग से, मेरे परिवार के सहयोग से, मेरे गुरुजनों के आशीर्वाद से, उनके सहयोग से आगे बढ़ता रहा। और बहुत सारे मंचीय प्रोग्राम किए मैंने, स्कूल में सांस्कृतिक गतिविधियों में पार्टिसिपेट किया। फिर उसके बाद मैंने पिथौरागढ़ की जो नाट्य संस्थाएँ हैं, थात और अनाम, उनके साथ जुड़कर देश के अलग अलग जगहों पर पार्श्व गायन किया, उसमें मैंने प्रतिभागिता निभाई। अच्छा। फिर मैंने एक विज्ञान वर्ग की, मैं एक छात्रा भी थी, विज्ञान वर्ग के साथ साथ संगीत को लेकर चलना मेरे लिए पढ़ाई के लिए भी बहुत टफ था। लेकिन कुणाल ने कि अगर तुम करत करत अभ्यास से जड़मती हो तो सुजान, वो अभ्यास लगातार जारी रोज, और जब करते गया तो गुरुजनों का आशीर्वाद, परिवारल हमेशा मेरे मतारे बाबुल मेरी वजूल हमेशा सहयोग कर, रात एक एक ड्यू बाज लगा अगर चाहे प्रोग्राम खत्म हो जाए तो उन मैं दगाड़ा उल्ला मंच में बैठूँ छे या कह लगे कई जाग में लगे मैं के हाथ पकड़े बे मैं कह लीजिए। अच्छा, वो अंधेरी रात उनमें पहाड़ों में तो रात लगे बहुत अंधेरी हुई न, तो उस समय में और एक चेली दगाड़ा तो बहुत सहयोग मैं कह रही हूँ। बीएससी में जब मैं डिग्री कॉलेज में छूँ तब वहाँ अध्यापकों ने लगे और पिथौरागढ़ में जतू लगे संस्कृति में जो बहुत भल काम करना उन्होंने मैं कह सहयोग कर छ। सहयोग मतलब कि आप कई के कोई लगे प्रतिभा अगर जब मुझी उके तुम अगिल बढ़ना मौक दिछा कि लैकि कलाकार जो ना उन्होंने भीतर अगर कोई कला छ हुनर छ उके मौका एक तलाश हो चु मौक अगर तुम दिछा और उके भली मानसिकता दगाड़ उके सहयोग कर छा तो ये सब ठूल सहयोग हो। तो मेरे सफर छ और आई अगिल खीन अपू दगाड़ बातचीत में चलते रहो। बहुत है भल लागा जब तुम यो कहो कि रात के तुम अपन बाप दगाड़ आछी, मगर याद छ जब हम रामलीला में तालीम में जछी तो कई बार बार एक बज जछी तो कभे मेर भय कभर मेर बाप मेर दगड़ लाग रही छी। तो बिल्कुल सही बात छे, जब अपन घरवाल तुमके मदद करनी सहयोग करनी तभी जाकर तुम आगे बढ़ सकता। नीरजा जी, थोड़ा सा आप अपने बारे में बताइए ना कि आप अपनी सिस्टर को मैंने देखा हमेशा कॉम्प्लीमेंट करती हैं और आप दोनों की जोड़ी बहुत शानदार जोड़ी है। आपको कब लगा कि आप एक अच्छी सिंगर हैं और आपको इस फील्ड में जाना चाहिए? नमस्कार रमेश जी, मैं सब उनके अपन उत्तराखंड सब वासीन के सब उनके पहला कर चूँ। मैं एक फिजियोथेरेपिस्ट हूँ और जैसा कि दीदी ने कहा कि म्यूज़िक का हमारी फैमिली में ही शायद है, मम्मी पापा से हमको भी पास हुआ है। तो मैं मेरी दीदी के साथ में ज़्यादातर मैंने स्कूलिंग के टाइम पे भी मैं इसके साथ में ही रही हूँ देहरादून में। उसके बाद फिर मैंने जब फिजियोथेरेपी की पढ़ाई करी उस टाइम पर भी मैं इसके साथ रहती थी। तो वो म्यूज़िक का जो डिटेलिंग थी, मैंने म्यूज़िक की कोई पढ़ाई नहीं करी दीदी की तरह, लेकिन दीदी से ही मैंने सुन सुन के उसको देख देख के उससे सीखा। और उसको जो जिस तरीके से वो गाती है, सुर लगाती है, शायद वो बारीकियां मैंने उसी से सीखी हैं। तो मैंने सोचा कि जब दीदी अपनी संस्कृति के लिए कुछ काम कर रही है, अपने म्यूजिक के फील्ड में कुछ आगे करना चाह रही है, तो मुझे भी उसके साथ आगे बढ़ना चाहिए। तो मैं भी और आप स्वरागनी सिस्टर्स के नाम से पूरे मशहूर हैं बिल्कुल आप दोनों।
जी चलिए, बहुत सुंदर। और मैं चाहूँ कि हम शुरुआत देवी की स्तुति करूँ, तो मैं सबूह पहली आप लोगों से प्रार्थना करूँ कि जो हम देवी की स्तुति करनू अपन माँ ऊग हमल शुरुआत करूँ। बिल्कुल बिल्कुल रमेश जी, हम सबन को फर्ज बन छे कि अपन देवी दरबार में हम सेवा लगा और सब उत्तराखंड जतुक लगे मेर भारतक रूने लोग छन सब पेन की कुशलता किन प्रार्थना करा देवी थे। तो शुरू करनो यो हमर उत्तराखंडो पारंपरिक लोकगीत झोड़ा खोली दी माता खोली भवानी। आहा खोली दे माता खोले भवानी धार मके वाड़ा, आहा खोली दे माता खोले भवानी धार मके के भलो रे वाड़ा, आहा के लरो छा भेट पकोना देवी दरबार, आहा के लरो छा भेट पकोना देवी दर बहुत भल लागो। मगर मतलब जतुगले लोग सुननी होनियाल उन मन करना होनियाल सुनते रहो कबर तू सुंदर तुम उलगा। और हमर पहाड़ में जो सबुए ठुल बात छ कि हम जतुगले उत्तराखंडी छूँ, हमर यक बात छ कि हम ना अपन देवी देवताओं के मानु, हम जो मके ध्यान छ हम प्रकृति ले बहुत नज़दीक छ। तो जब तुम उल कहो तुम पिथौरागढ़ में शुरुआत है, तो थोड़ी बहुत पिथौरागढ़ में कैसे आप लोग करते थे ज्योति जी, और किस तरह से आपने शुरुआत की पिथौरागढ़ में, और कितनी शुरुआती आपकी पिथौरागढ़ में हुई, बाद में आपने कहा आप स्कूलिंग के लिए देहरादून आ गई, थोड़ा उस बारे में जानकारी दीजिए। बिल्कुल, पिथौरागढ़ जहाँ तक मेरे उत्तराखंड में रहने वाले लोग हैं वो तो जानते हैं कि एक सीमांत जनपद छू पिथौरागढ़। तीन और बठे चाइना की में सीमा लग रहे छन, नेपाल की सीमा छन, तिब्बत सीमा छन, और कैलाश मानसरोवर जाने वाला बाट हमारे पिथौरागढ़ बठे छ। तो स्कूली शिक्षा बठे अगर मैं शुरू करूँ तो मेरी शिक्षा अलग अलग स्कूलों में अलग अलग गुरुन का मैं बहुत ज्ञान सीखचू उनको ना कि कभे यहाँ कभे वहाँ, तो अलग अनुभव वाले गुरुन थे मैं ज्ञान सीखना का मौका मिल जा। एक बठे पाँच तक मैं प्राइमरी स्कूल में पढ़ जा, उस बाद प्राइमरी स्कूल जो हुड़े थी मैं छा मोर, उस बाद मैं कन्या माध्यमिक मंडप स्कूल में मैं नये बाजार में छो हमर, वहाँ मैं छः बठे आठ तक पढ़ जा। अच्छा, फिर उस बाद जब साइंस कुना ने आठ बार नंतिना यो कई जाँच इजा तक कला वर्ग में जा ले, साइंस ले ले, कॉमर्स ले ले के ले ले, तो साइंस पढ़न की फिर मैं नौ और दस में एचओली स्कूल जो गर्ल्स स्कूल छो वहाँ में गई हूँ। वो सिर्फ दस तकों के स्कूल छो, तो दस पास करीन बाद फिर मैं ग्यारह और बारह किन जीआईसी जो हमारे जीजीआईसी कन्या मंडप स्कूल छ वहाँ मैं फिर ग्यारह और बारह पढ़ छ। तो ये तो गुरुन का दगार घूमते घूमते उनोर ज्ञान उन्होंने थे सीखते सिखाते अलग अलग क्षेत्रों में जो सिद्ध हस्त हमारे गुरु छा उन्होंने थे सीखबे। फिर मैं आई हूँ अपन डिग्री कॉलेज पिथौरागढ़ में बीएससी में जब एडमिशन लीच मैल, तो कुना ने साइंस जब तुम पढ़ चा तो मैं अपन बायोग दगाड़ अपन बॉटनिक दगाड़ मैं डिफेंस स्टडीज़ लीच के, कि मैं फौज में जाना बहुत शौक छो तब। अच्छा। नानछना बहुत शौक होना ना बना रखनू यो बनला सो बनला। तो मेरे सिर्फ दू शौक चा कि मैं या तो बहुत ठूलो संगीत में अपन कार्य कर लो, या फौज में जूल, या फिर नंतिना संगीतक के संगीतक शिक्षा दिनक तब मेरे ऋतु के उन्हें छो कि संगीत मैं एक प्रोफेशनली मैं सीखने रख चु तब। अच्छा,
तो मैं कॉलेज में जब पढ़ छी हूँ तो क्लास होते रुचि बहुत बहुत पढ़ाए ऊँची हूँ, हर कोई विज्ञान बी एस सी में पढ़ने वाला नहीं समझ सकते, लेकिन मेरे गुरुन को आशीर्वाद इतुक छो कि मैं सिर्फ एक बार 15 अगस्त जुलाई में तब एडमिशन हुचे कॉलेज में, तब मैं अगस्त में 15 अगस्त जब छो एक गान गाच ए मेरे वतन के लोगो, तब मैं के प्राचार्य जी लगे आबेर उन्होंने क्यों कि तेल जे करण छ तू करे पूर कॉलेज ओक सहयोग तैयार दगार रोल। अच्छा। तब मैं एनएसएस कैंप में भाग लिया, एनसीसी कर छ, रोवस रेंजर जो स्काउट गाइडर की ठुल ब्रांच है, जब हम स्काउट गाइड ठुल लेवल में नहीं जानू तो वो क्या रोवस रेंजर्स को नान फिर, तो उमे मैं पिथौरगढ़ के प्राइज जीता बेस्ट सिंगर आकू में। तो ये 3 साल पढ़ाई करते 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 फिर मेयर गुरुन ले और मेयर घर वालान ले को यो क्योंकि तेल अगर करण छी जा यो इस फील्ड में संगीता फील्ड में जब तेल करण छी तू नाम छे तेरे लोग तू तारीफ करना तो ये कि विधिवत शिक्षा ग्रहण कर। अच्छा। विधिवत शिक्षा मतलब हमार भारत वर्ष में कुना ने भारतीय संगीत जलखिन आ जाच क्लासिकल शास्त्रीय संगीत आ जाच। अगर हम गायक गायिका छत में सब थे यो ही कूचाच ये उमे यो ने कि हमूल्य एक संगीतक शिक्षा एक बेस एक आधार अपन जरूर बनून चाहें, अपन जड़ून के मजबूत जरूर करन चाहें कह लगे शिक्षा में, तो उनर सहयोग ले फिर मैं आकाशवाणी में पास कर छे अपन बी ग्रेड हो तब बी ग्रेड छो शुरुआत में कोई लगे नंतिन जाते। अच्छा, अल्मोड़ आकाशवाणी। अल्मोड़ आकाशवाणी में मैं बी ग्रेड में पहली सिर्फ फोक वाल फोक संगीत में पास कर छे, फिर मैं उन मेरे गुरुन ले मैं के भातखंडे जो हमारे देहरादून में छो वामठी में के प्रवेश पत्र दिलाच वहाँ मैं फिर आगिल के एडमिशन ली बेर मैं वहाँ ज्वाइन कर छी आए बेर बी एस सी फाइनल जब मेरे हो गयो छो तो मैं संगीतक शिक्षा लगे चल नहीं रहे आकाशवाणी बैठे मेरे प्रोग्राम लगे मिलते रहान में करते रही हूँ के, फिर मैं देहरादून बैठे शुरुआत कर बेर अल्मोड़ भातखंडे में मैं खत्म कर चे अपन पूरी शिक्षा 6 सालों संगीतक डिप्लोमा खत्म। अच्छा, कर चे 6 साल संगीत सिखा तुम संगीत सीख चे मैल पहली सीख चे मैल। अच्छा, 6 साल मैल सीख पहली सीखा फिर सिखा है। हाँ, पहली मैल सीख चे मैं से जना आलू में किसी कुंद दौरान पहली मैल सीख चे संगीत उ बाद फिर तुम सिखोन छा। अब मैं सीखूँ फिर मैं उबाद बी एस सी कर ली मैं एम एस सी करना बड़ मन छे तो ब्यो ही नू एम एस सी न कर फिर मैं। अच्छा। फिर मैं अल्मोड़ा कैंपस ओवन सिंह जी ना परिसर बैठे मैं एम ए कर छे हिंदी बैठे हिंदी साहित्य बैठे साहित्य। नीरजा जी आप शुरू से अपनी सिस्टर के साथ थे और आप बचपन से ही आप भी अपने सिस्टर के साथ गाते थे या आपको लगा कि बाद में आपको पहले आप स्टडी में थे फिर बाद में आपको लगा कि आपको सिस्टर के साथ रहना चाहिए? रमेश जी मैं बचपन से जैसे दीदी ने बताया कि स्कूल में कोई भी सांस्कृतिक कार्यक्रम कोई भी होते थे तो वही सिंगिंग में जब नाम आता था तो मेरी क्लास में या स्कूल में तो वही नाम आता था कि निर्जा गाएगी, तो हमेशा स्कूल मेट्स ने और टीचर्स ने हमेशा हमको सपोर्ट किया कि नहीं तुम्हारा सिंगिंग वाला पार्ट बहुत अच्छा है इसमें आगे जाके तुमको कुछ ना कुछ करना चाहिए, इवन अभी भी बोलते रहते हैं। और साथ में मुझे मेडिकल की तरफ जाना था तो मैंने फिर 12th के बाद मैं दीदी के साथ ही रहती थी स्कूलिंग के टाइम से ही बाहर ही उसके साथ ही रही हूँ हमेशा। अच्छा। तो 12th के बाद मैंने फिर अपना मेडिकल का फील्ड जब वो ले लिया तो म्यूज़िक से कहीं तक नहीं था, लेकिन कोई भी कुछ भी कोई प्रोग्राम कुछ भी होता था कॉलेज में भी या स्कूल में भी तो मैं हमेशा पार्टिसिपेट करती थी म्यूज़िक से रिलेटेड। अच्छा। उसके बाद जब फिर दीदी के साथ मैं अपनी जॉब के लिए इधर दिल्ली चले गई तो फिर दीदी के साथ रहते हुए फिर वही म्यूजिक जब साथ साथ में फिर से रहने लग गए तो फिर से हमने सफर शुरू करा अपना म्यूजिक का। तो ज्योति जी नानछना कभी झगड़ नहीं है आपस में जैसे हम नान भे ठुल भे झगड़ जैसी अब हम लोग नहीं है जी के झगड़ तो हमारे झगड़ ऐल लगा तुम अल्लाह लगा हम लड़ बेरा आ रही हैं तेल टॉस के किला कर छे हम जब तक लड़ू ने मैं सुना जान लड़ाई उसने वहाँ प्यार जा उस लड़ाई लगा वही ऊँची। और सब ठुल बात यू छ कि एक म्यूजिक क्या होता है हमारा ना हम दोनों जैसे लड़ाई करते हैं तो थोड़ी देर में ही हम दिए गान शुरू करना ना वो लड़ाई कहाँ जाए पत्तों ने चलो पत्तों ने चलो। अच्छा। मैं अगर कोई गान गुनगुना तो पछली बैठे यो सपोर्ट कर इस बात के एक समर्थन में रोची जब झगड़ हो ची मैं ठुल छू तो मैं तक ऊँची अरे नैन छे निकी इस करन दे यो करन दे सो करन दे तब मैं फिर बताऊँ अरे जस्ट अच्छा नहीं अच्छा गए। अच्छा अब हमने हमार जो हमार ताकत छे जो हमार मांगल गीत छे
वो मैं चाहनू कि हमारे जतुगले दर्शक छे देवभूमि डायलॉग वो जरूर चाल कि हमारे मंगल गीत अभू मुक्त हम जरूर सुनो। बिल्कुल बिल्कुल, सच में पूछा हमर ताकत छन, हमर संस्कृति, हमर ताकत छ, हमर धरोहर, हमर विरासत। तो शुरुआत कर लो मैं एक कुमाऊँ सगुना आकर तुमले सुना कि नो सगुना देख कोई लगा शुभकाम हो हमारी ईजा हमारे मतारी वो सब पहले यही गाना का की ओर। तो वो गान उबाद अब खोल दे माता खोल भवानी में जूल अपन हम ठीक तो शुरू कर लो। सगुना दे और सकुना रमेश जी आपू के बतूल में यो जो हमार संस्कार गीत छने अल्मोड़ में अलग हिसाबल गाई जनान, सोरियाल पिथौरागढ़ में अलग गाई जनान, हो सकते तुम्हार भीमताल और नैनीताल साइड की अलग ट्यून में एक गाई जान, लेकिन फर्क के नाते सिर्फ हमार धुनों का फर्क छ, शब्द उन्हें छन, सब कुछ उन्हें छ, तो सब पूरा उत्तराखंड हमार सुकुना मतलब छ। तो सकुना दे सकुना बोला दाइन बाजन शंख सबद दैनी तीर भरिया कलश। तो अगिल की न्यू अति निका सो रंगीलो रामीचंद्र सुहागिनी आशीर्वाद दिवे, फिर हम गणेश जी के न्यूतनु। तो ये सगुन आखर उनकी तो बहुत लंबी एक मेरे के लाग से कि एपिसोड बन जाए। तो शुरुआत करूँ अपन भूमिया इष्ट देवतान का तरफ जानू। देना हुई खोली का गणेश देना हुई मोरी का नरेणा देना हुई खोली का गणेश देना हुई मोरी का नरेणा देना हुया खोली का गणेश है देना होया मुरी का नरेणा है देना होया भूमि का भूम्याला है देना होया मुरी का नरेणा है देना है पंच नाम देवा है देना है या बदरी के दर है देना है या बदरी के दर है। बहुत ही भल मतलब ये तो मीठ लागना मैं के बताऊँ। और मैं योले जान लूँ कि जब यो सुर मिलान लेते बड़ा मुश्किल काम हो तो अपू लोग की तालीम ली छा या मतलब कसी यो एक दूसरे से सुर मिला सकता के उसने जब हम हमार के मुझ संगीत में हम जब सुर मिलू ना अपन एक तो नेचुरल सुर हूँ छमुर जो प्राकृतिक प्रकृति हम धीरा छी कोई लगा आदिम बिन अब जब जरूरी तो नातिन की हर कैसा संगीतो ज्ञान हो छे ठीक बात तो कोई लगा आदिम ने हिट ने बाटा कह लगा सुर में गाछू को प्राकृतिक सुर छे लेकिन जब हम संगीत सीखनु तो हमू के अपन सुरा स्केल के बारे में पत्तो चल छे कि कै सब तक बैठे कै सुर में कोई लगा आदिम कह लगा गा सक छे हम कोनो यो काली सुर छे यो काली सुर छे अलग अलग को अध्ययन करना मेरे मैं अपन सुर के बढ़ाए बढ़ावे जय जाग में मैल पूजा रख छा आज जरूरी नाती कि यो सुर बैठे गा सको यो थोड़ा सुर अलग छे लेकिन जब हम गानू ने वो एक ऑटोमेटिक देवीय वमठे मुझकी सुर एल हम तेना तानपुरा छ ना हारमोनियम छ जो कि अपन सुरों को मिलाप करा तालमेल हो जाए अभी अभी तालमेल बैठ रहे हो कि वो मेरे आवाज में उठन जो तू वो पचिल बैठे भाग लगू इन वालू दगड़ा दगड़ा बिल्कुल ठीक बात छ। और मगे याद छे जब कभी असले हो कि मतलब ब्याह काजों में या कह के वहाँ कई
प्रोग्राम छू वहाँ गले गाने मौक मिलो या वहाँ ले हमार मन करो कि अरे वहाँ आज कीर्तन होनी चलो वहाँ जनू कबेर यसले हो कबे। बिल्कुल बिल्कुल, जब तक मैं कुने नहीं जब तक बीएससी तक मैं बिल्कुल पिथौरागढ़ में छू। 2003 में मैं वामठी निकली। 2003 जब मैं के दिल्ली 26 जनवरी में उत्तराखंड की पहली अमर झांकी थी। अच्छा। जब मैं के जनक मौक मिल चा मैं के बीना पांडे जी ले गायिका के रूप में वाकिन चयन कर चा। तो तब तक मेरे पूरा जीवन पिथौरगढ़ में छो रात दिन हर वक्त। जब लग गाँव में की काज काम हो चीने हम पहली बैठे तैयारी कर छा अरे हमने यो गाने वाला ग्रुप छा तो हम गाल यो गाना के। जबकि शकुन आखर हमने गाछा हमर ईजा हमर काकी इन सब पे इनको एक ग्रुप छो अलग वो शकुन आखर गाने वाली इनको। लेकिन जो ब्याह काज उनका गीत उनान बन्ना बन्नी वाला सिर्फ शकुन आखर ने गाना हूँ मैं बन्ना बन्नी गीत गानू। और हमारे यहाँ कीर्तन होना कीर्तन उनकी तो भरमार छ पूरे उत्तराखंड पहाड़ों में। हम आज लेके जब घर जाना तो आ जाए फिर एक एक दो घंटा कीर्तन रोज हो हमारे यहाँ। और हम ब्याल वक्त आदत छ हमारी नानछना बैठे संजीकाल बखत दी जलून बखत हम ढोलकी हारमोनियम लीवेर अपन घर में आधा घंटा एक घंटा हम सब शुरुआत बैठे सब मंत्र मुन बैठे लीवेर आप भजन गानू। और वो सच में आज ही लगे एक रिवाज है कह सकता हूँ रिवाज बन गया हमारे यहाँ का। और मगे भल यो लागो ने कि अपू लोग इतु भल काम करना चाह कि हमारे जो आने वाली पीढ़ी छे उके मंगल गीत के छे हमारे वहाँ देवी पूछ कसी करनी हमारे कोको पहाड़ा गीत छे हम कतु प्रकृति इतने नज़दीक छूँ अपन संस्कृति लीजिए हम का के करण चैन और अपन भाषा अपन बोली बहुत जरूरी छे। और बहुत भल लागो कि आप ही लोग लगातार सोशल मीडिया पे ये सोशल मीडिया जरिए लोगों बीच में आते रह छा। लेकिन जब ये सोशल मीडिया नहीं थी तब के कर छा तुम? हम देखो तब जब मैं कुने नानछना बैठे मैं मंच में बहुत प्रोग्राम करती अलग अलग लोगों का दगाड़ अलग अलग ग्रुप जो प्रोग्राम करनी उन्हें दगाड़ करी जैसे अल्मोड़ा आकाशवाणी या फिर हमारे रामपुर वाल जो आकाशवाणी छ या देहरादून में दो तीन बारी मेले जन जो इन्हर मंची प्रोग्राम होना आकाशवाणी ऑर्गेनाइज करती जनू के उन्होंने मंची प्रोग्राम करियान बहुत बारी मेले नॉर्थ जो हमारे कल्चर जोन जोन छो दगाड़ मेल बहुत प्रोग्राम करियान। तो प्रोग्राम तहत लग जैसे हम अपन मंची यो अपन लोक वाल प्रोग्राम कर लूँ तब के छो जब यो कोरोना काल न छो और लोग अपन घरों तक सीमित न छा वह पहली हम और अपन चैनल छता हम में गाते रू छा हमू के बहुत दुख लग लाग छो यो देख बेर कि हमार उत्तराखंड जतु खूबसूरत छ जो प्राकृतिक रूप जतु खूबसूरत छ यहाँ लोग उतके खूबसूरत छन यहाँ के रीति रिवाज यहाँ के त्यौहार पर्व बहुत खूबसूरत छन कि लाइक हमारे पुरखान ले दी तो खूबसूरती अमूर रख जा। तो जब ये एक मैं देख चूँ कि ये बिगड़न न कहने के हिसाब कि लाइक जब कुना ने जहाँ का ये दैवीय शक्ति ऊँची तो वहाँ आसुरी शक्ति लगे जरूर ऊँची। ठीक बात छे। तो आसुरी शक्ति इनका हाथ में धीरे धीरे जब हमारे संस्कृति जन्मस जान लगे तो बहुत खराब लाग छू वक्त कि वो मैं किला ने ऊन अगिलखीन काम करने की बहुत ज्ञानी जन लोग लगा अमरियाँ छन कुमाऊँ गढ़वाल जौनसार या हम यो तराई भावरक बात करा बहुत ज्ञानी लोग छन अमरियाँ जन उनको बहुत ज्ञान छ हमारे संस्कृति के बारे में। लेकिन अगिल के कोई ऊनो न चाह कोई के करनो न चाह है मैं के आ फैट रहे मैं कतु जनू का दगाड़ बात कर छी ये दौरान पोलसार बैठे एल साल तक सब लोगों को सिर्फ एक विचार छ मैं इसके मिलन दियो यो कर भी मैं के आप हट रहे है जेल जे करन से कर खोन मेरे के घरों थोड़ी उजाड़ दियो छे ना हर कोई चाह कि अगर मैं यो कर दूं तो मगे एक बदल के मिलो बिल्कुल हम यो नहीं सोचन कि येल कहीं ना कहीं हमर जो आने वाली पीढ़ी छू के हम बहुत बड़ संदेश दे जूल कहीं ना तो उनका पत्ता तो लागल हमारे वाले मंगल गीत हची हम के पहले गणेश के याद कर छी इतु वो बनना बननी वो ब्याह पहली ना उनका सिगरेट ले पिलोची वो पूर बनोनक। अच्छा नीरजा जी आप मुझे ये बताइए कि आप लोगों ने साथ गाना कब शुरू किया शुरुआत से था या जब से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में आपने अपने चैनल में आके तब साथ गाना शुरू किया? हाँ आप अगर वैसे बोले ऐसे प्लेटफॉर्म में आके या किसी स्टेज पे तो शायद हमने सोशल मीडिया के थ्रू ही इसको स्टार्ट करा। उससे पहले हम घर में आकाशवाणी में गाते हाँ दूरदर्शन आकाशवाणी पे मैं दीदी के साथ शायद 2010 से जुड़ी हुई हूँ तो मैं तब से दीदी के साथ जाती थी वहाँ पे सीखती देखती थी कि कैसे कैसे प्रोग्राम्स होते हैं कैसे रिकॉर्डिंग्स होती हैं। फिर मैंने भी दीदी के साथ वहाँ पे जाना शुरू करा तो अभी मैं दीदी के साथ वहाँ पे भी जाती हूँ दूरदर्शन रिकॉर्डिंग्स पे। तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि कौन ज़्यादा अच्छा गाता है? मैं तो बोलती हूँ मैं दीदी का नहीं मिला। इस पे मैं ये बोलना चाहूंगी कि मैं शायद दीदी के सामने
कुछ भी नहीं हूँ संगीत के मामले में अगर बात की जाए, क्योंकि उसने एक उसको सुरों को साधा है, उसने उसकी पूरी शिक्षा ली है, मैंने उसको देख के सीखा हुआ है। वो आप एकलव्य द्रोणाचार्य वो वाली अब हमारे पहाड़ में कहीं ना ह्यो लगवनी वाल छू, पश्चिम में ह्यो लगवनी वाल छू। अच्छा जरा ये मैं आपको सुन रहा था अस्कोटे की पार्वती, मैं चाहता हूँ कि अब वो आप हमारे दर्शकों के लिए जरूर गाएं। बिल्कुल बिल्कुल, और उस गाने से पहले बताना भी चाहूंगी, आपने अभी बोला था ना कि अमर ऊनीवाल पीढ़ी के पत ऊंचे की के छन, सच में पत ऊंचे हैं। रमेश जी चलो ना आप देखने आनो या बहुत पहली बैठे हम जो लगे लिखा, मैं यो बिनती लगा करन चाह, यो मेरी उत्तराखंड चेली बुआरी, मैं गढ़वालक बुआरी छू तो कुमाऊन चेली लगा छू, तो मेरी विनती से सब लोगों थे ये एक बुरो नक मानना की जरूरत ना थी, ये मैं के सच में बुर लागे जब हम अपन अगिलबर्ट कुमाऊनी डीजे गीत लिखनू, डीजे हमार डीजे शब्द है हमार लोक साहित्य में नातीन, तो आज काम थे बहुत उन लोगों मेर कार्य देख बेर बुर लगा लाग कि किला करन है यो किला बोलन है हमार रोजी रोटी किला छीनन है। भैया मैं कह कि रोजी रोटी ने छीनन नहीं, मैं सिर्फ यो कौन चाहू कि जो सही छ ऊ कर, देर होली पैस कम मिल लो प्रशंसा कम मिली, लेकिन हम धीरे धीरे वो कुनाने हमर मता शुरुआत में अगर तुम सोच ला तुमको खूब प्रशंसा मिल जाए सब यो नहीं है सकन ने, तुमको टाइम तो लागो ले कोई ले काम करो में सक्सेस मिलन में टाइम तो लागे। बिल्कुल, ये जो कुछ ना हमारी बांजू बानवाल किस्सो छू वो मैं शुरुआत में फन करने जरूरत ना थी, धीरे धीरे सनातन लाग रहो सनातन लाग रहो तो कभी भल काम करना ना मली वाले का साथ दिस कुना। ठीक बात छे, बिल्कुल। त हम उका दगाड़ दगाड़ यो जो अस्कोटक पार्वती बहुत हमार पारंपरिक लोकगीत चाँचेरी छे यो एक अच्छा। म्याला कौतिकून में गाई जाँच और झोड़ा खेल चाँचेरी यो ये सब एक का प्रकार छन, अलग अलग हिस्सान में अलग अलग नाम वाली एक व्याख्या दी जाए, तो हम शुरू करने ये गीत के। अस्कोट की पार्वती लियो मेरो रुमाल भली लियो मेरो रुमाल, अस्कोट की पार्वती लियो मेरो रुमाल भली लियो मेरो रुमाल, लौंडा रे परताप लौंडा तेरो माया जाल भली तेरो माया जाल, लौंडा रे परताप लौंडा तेरो माया जाल भली तेरो माया जाल। अस्कोट की पार्वती लियो मेरो रुमाल भली लियो मेरो रुमाल, हल्दी कुटे द्वांग द्वांग रुमाली में रंग भली रुमाली में रंग, हल्दी कुटे द्वांग द्वांग रुमाली में रंग भली रुमाली में रंग, छोड़ो इजू मैत देशा छोड़ो सत सर भली छोड़ो सत संग, छोड़ो इजू मैत देशा छोड़ो सत संग भली छोड़ो सत संग। अस्कोट की पार्वती लियो मेरो रुमाल भली लियो मेरो रुमाल। बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर। और सबसे अच्छी चीज़ है कि आप दोनों को जब गाते हुए कोई भी देखता है तो उसको और अच्छा लगता है, बिकॉज वो कॉम्बिनेशन कहते हैं ना, कॉम्बिनेशन बन जाता है, जैसे हम फिल्मों में देखते हैं कॉम्बिनेशन है, वैसे ही आप दोनों का कॉम्बिनेशन है और बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है। मैं जब ले सोचनू कि यो बात ले ठीक छे, अगर कोई अपन कल्चरली जी काम करना तो भाई रोजी रोटी के लिए तो अकेले छे, ब्याह के घर ऑन तो तुमको रोट सागा लीजिए पैचे नहीं, तो हमर जो मांगल गीतक पूर कॉन्सेप्ट छी, अब मैं जतुगले लोगों थे यो बीच बात करी देवभूमि डायलॉग में, उनर कंच की अब लोग यो तरफ रुझान बढ़न लग गया, अपन लोगों के सुझाव छे कि कैसे हम ये अगिल पढ़ सकनू और हमर जो नानतिन छे या हमर आने वाली पीढ़ी छे उन्हों भीतर ले यो भाव छे भैया अब अपन कई ले इष्ट मित्रों का काम हरा अपन मा शुभ काम हरा, तो हमको ये जरूर करन छे अपन मा। बिल्कुल करन छे, कि लेकिन हमार पहाड़ों में जो हमार रीत रिवाज छन कोई लेकर हमार काज काम हो नवान हो ब्याह काज हो केला हो चाहे बर्तपन हो, हर हर चीज़ का अलग अलग संस्कार गीत छन, और उनके हमारे यहाँ पहली कुछ है ना ढोली ढोली दमो बजू छा जो ऋतु गान खीन चैता मैन में ऋतु सुनु इनकी ऊँच है उन तो विलुप्त हो गया ना, अब एक खास वर्ग छ जनूले इनू के संभाल भी रख रहा है जनू था। आज मैं कह सकती कि हम किन आती ना उनर समझ उन हमार असली था छन उन हमार असली पछाण छन, अगर कोई जागर गाने ना तुम एक बार गाँव घरों में जाए बेरू ढोलीन सुनिया जो देवी जागर लगुनान ख्याल लगुनान गंगनाथ है कि गोलजू ख्याल लगुनान जन
उन्हारा मुख बिठे सुनिया उन छन असली कलाकार उन तक तो कभी लगे न कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पूछनो ना पूछा कोई पत्रकार पूछ पाना सही में और नियम धर्म का तो माननी हो तुम सोचा उन असली छन उन्होंने असली विराट जो घमरिया मैं सच में अपन घर में अपन इजाज अपन मतारीस अपन मम्मी देख छू ने दिव्य ने गान सकुन आखर जब उन गाछीन एक एक शब्द उन गाछीन शुरू बटे लीबेर कई लगा काज काम में जोन पसीना की तर बतर बिल्कुल फाग लगाए बेर गाछीन तो उन आचारों हम कतक लगे गालियाँ चाहे कैमरा के सामने आए बेर चका चौध में लेकिन उन जगान तक हमार उत्तराखंड जो लगा ठूल काम करने लोग सन उन पकड़ बेल ली उन चैच यो बहुत भल काम एक दूरदर्शन वाला ले कर सुभाष थलेड़ी जूल मैं सच में उनके सलाम कर छूँ प्रणाम कर छूँ उन्हें सोच के उन जागा जागा कोना कोने में जाए बेर उन कलाकारों का पकड़ बेल लिया ना फूल देखी नो एक अल्ले बागेश्वर है कि एक को शैन छ जैल राजूला मालू शाही का तू भल गाज लेकिन इत आर्थिक रूप पर इतू गरीब छ जो पूज न सकनी है कैल के जात तक वो मंचून तक न पूछ सकनी जन मंचून में लोग नाचना थिरकनान अपू का बहुत ठूल उच्चा सुपर हिट कलाकार कुनान वहां तक उन कलाकार कभी नहीं पूछ सकता ठीक बात है मेरी में एक बात अपन कौन जाज मेरा मतलब आज की पीढ़ी के अकॉर्डिंग मेरा जो सोचना है मैं सोचने ये छ कि हमारी जो संस्कृति है ना उत्तराखंड की वो एक हरे भरे फलदार वृक्ष की तरह है उसकी जो जड़ें हैं ना हम उन जड़ों को खो रहे हैं तो उन जड़ों को पकड़ के रखना बहुत ज़रूरी है। आपने कभी भी पेड़ को जो फलदार वृक्ष होता है आपने कभी उसको ऐसे ही नहीं देखा होगा कि उसके एक ही टहनी पे जो है फल लदे हुए हैं पूरा पेड़ जो है फलों से लदा हुआ रहता है हरा भरा रहता है और झुका रहता है झुका रहता है झुका रहता है बिल्कुल झुका रहता है और उसकी जो जड़ें हैं ना वो उसको पकड़ के रखती है तभी वो वृक्ष खड़ा रहता है। तो अगर हम उन जड़ों को छोड़ देंगे अपनी ना तो वो हमारी जो संस्कृति का हरा भरा वृक्ष है ना वो कभी हरा भरा शायद नहीं रह पाएगा आने वाले टाइम पे। तो हमको ये बात ध्यान में ज़रूर रखनी चाहिए कि उन जड़ों को हम अपनी संभाल के रखें पकड़ के रखें और अगर अपनी आने वाली पीढ़ी को दें। और जब मैं आपको बताऊं कि जब मैं जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं आप लोगों को सुनता हूं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि मैं आप लोगों को सुनूं मैं आप लोगों को बहुत देर तक सुनता रहूं मुझे इतना आनंद आता है। और जब आप लोगों ने एक दिन ओ भीना कथके जानू दौरी हटा वो तो बहुत मज़ेदार था मतलब इतना इंटरेस्टिंग था मतलब एक कहते हैं ना कि आपको डांस करने का मन कर रहा है आपको नाचने का मन कर रहा है थोड़ा वो भी सुनाइए। बिल्कुल बिल्कुल द्वारहाट हमारा तो गीत छने ऐसा जैमे हमारा साली भीनान का नाम गाँव घरून का नाम और कस्बान का थन्ना नन्ना ठुल ठुल सब नाम तो म्याल को अधिक लगा कम उनमें गया है। और भीना मतलब भिन मतलब ठहरा जीजा जी बिल्कुल बिल्कुल आप तो पता नहीं बच्चों से पूछोगे भीना मतलब के बे अब हमारे वहाँ चाची ताई जी तो कची जड़जा बिल्कुल मतलब जैसे वो जड़जाग माँ छो ठुल बाबू ठुल बाबू अब ताऊ जी नहीं कची ठुल बाब हमारे ठुल बाब छे कभी तो ये जरूर सुनाइए। बिल्कुल बिल्कुल अभी इससे पहले अस्कोट ले जा रहे थे आपू का चाचेरी में अब ले जानो द्वारहाट द्वारहाट ले जानो और साली भीना को बहुत है खूबसूरत गीत चाहिए तो ये गीता के माध्यम में फरमाइशी गीत लगा था उससे यो कि साली के फरमाइश कर दे भीना ओ भीना कस के जानो द्वारहाट ओ भीना कस के जानो दर हटा हिट हिट साली कौतिक जानो द्वार हटा हाँ हिट हिट साली कौतिक जानो द्वार हटा ओ भिना ओ भिना कस के जानो द्वार हटा ओ भिना कस के जानो द्वार हटा हिट हिट साई कौतिक जानो द्वार हटा हाँ हिट हिट साई कौतिक जानो द्वार हटा नाक में न थूली न ती कस के जानो द्वार हटा नाक में अरे नाक में न थूली न ती कस के जानो द्वार हटा वाई सुनार वाई बनोला द्वार हटा वाई सुनार वाई बनोला द्वार हटा हिट हिट साई कौतिक जानो द्वार हटा हाँ हिट हिट साई कौतिक जानो द्वार हटा एक अंतरा और है उसे भी सुनाई दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल अंतरे तो आप इसमें जितने जोड़ दो जो जो आपको चाहिए आप वो जोड़ दो बिल्कुल जो जो मैं भी यो नाते नु नाते भी बिन तक आया आंग में आंगड़ी नती कस के जानो द्वार हट आंग में अरे आंग में आंगड़ी नती कस के जानो द्वार हट वाई दर्जी वाई बलोला द्वार हटा
वाई दरजी वाई सिलोला द्वार हटा हिट हिट साई कौतिक जानू द्वार हटा हाँ हिट हिट साई कौतिक जानू द्वार हटा ओ ओ भिना ओ भिना ओ भिना कस के जानू द्वार हटा ओ भिना कस के जानू द्वार हटा हिट हिट साई कौतिक जानू द्वार हटा हाँ हिट हिट साई कौतिक जानू द्वार हटा। बहुत ही बढ़िया, मतलब मेरे पास शब्द नहीं था, आप वो तारीफा करना लीजिए। और मैं एक बात आई सोच लू, जैसे हमारे वहाँ पिछौड़ हैं, बिल्कुल नत छ गुलोबंद छ, अब मैं अब पत्ते ने आप किया गा आजकल उन्हों के, जबकि पहली लोग कहीं ले जाची गुलोबंद तो जरूर हची, बिल्कुल। तो ये जो अपना कल्चर है ना, जिसको हम चाहे अपनी पोशाक है चाहे जो भी है, उसको हम कैसे लाइमलाइट में लेके आए, और मुझे लगता है दुनिया का कोई भी व्यक्ति हमारी पिछौड़े की तरफ आसानी से आकर्षित हो जाता है, वो आपको एक नए अवतार में दिखाता है, बिल्कुल। तो इसको कैसे हम बढ़ावा दे सकते हैं? देखो हमारे आजकल मैं वही देख रही हूँ ना, ये अवेयरनेस जब लोग देख रहे हैं ना धीरे धीरे, तो लोगों को पता चल रहा है कि पहली मैं इसके कुछ ही हमारी ईजा और पहन रही थी गलोबंद पहन छी, फिर उन्होंने जब धीरे धीरे ब्याह होते रहो चालान को ब्याह होते रहो बुआरी ना थे रैचिन उससे बटे उठे अलग मॉडलों जब उन्होंने कोई गहना दिखान को ना औरत है औरत आगिल का बढ़ा सकती औरत है औरत पछिल कर डुबा लगा सकती कि लाइक ये जो गहना पिछौड़ा नथ मांग टिका फूल क्यों सिर्फ एक महिला एक औरत सुहाग प्रतीक लगन आती वह जात हमारे सभ्यता संस्कृति प्रतीक लगा छ तो हमूल्य एक पैन नो बंद कर दी हमूल्य मतलब कि हम महिलाओं ने एक पैन ने शुरू शुरू में बंद कर दी पहली पैंची जो और गलोबंद पैंची मैल था अपन आमा हाथ में धागुल लग देख रखी चांदी का खुट में लग देख रखी कान छेद रखी हमार आमा और चार चार पाँच पाँच चांदी की अमठी पहन रखी सोना के चांदी का नाक में लेकिन वो जो नेपालों मिश्रित कल्चर छ हमारे नाक में पहन रखी ये तरफ लेकिन छेदबीर तो हमूल्य के सोचे ना अरे यो बुआरी तो भलो गला पहन रहे छिछी मैं तो मेरे वाल तो पिछड़ा वाल छ कतकुन ले सुना रहा क्या जाए रुके बंद कराए नहीं है मॉडल अलग बना दिए नहीं है देखना चक्कर में नहीं है बनना चक्कर में लेकिन धीरे धीरे आप तुम देखा चलो बहुत लोगों के फिर आकर्षण हमारू पिछौड़ा की तरफ फिर आकर्षण हमारे गुलोबंदा की तरफ फिर हमारू पहचान वाली जो माला ऊँची पूरी चांद वाली माला ऊँक तरफ जान दियो मांग टीका की तरफ जान दियो तो ये मैं लोगों को यही कह सकूँ कि यो शुरुआत हुंचे अपन घर बैठे हुंचे शुरुआत अमूल्य अगर घर उनमें कई ब्याह काज न्यानत उमे लगा अमूल्य जो हम जो जतुक लगा जेवरात लियोनू जेवरात उनमें अमूल्य अपन पारंपरिक जेवरात उनका मान्यता जिनते हैं एक कर लो ने देखा देखी हमारे यहाँ देखा देखी बहुत बहुत बल बल काम लगा जनान का वह गए तो देखा देखी के पत्र शुरुआत अगिलकिन है सकती और होली जरूर यो अमूल्य सोच रखें शायद अमूल्य अपन कार्यक्रम उनका माध्यम ले और सांस्कृतिक छन या कोल का कार्यक्रम उन्हान उमे लगे ये उस बढ़ावा दिन चाहिए। अच्छा जब इजबाब सुननी तुम्हों के तो के कनी इजबाब जब सुनना ने उन के पहली मैच लगा कुनी कभी कभी तो इजोर हमर कोई गान सुनी लगा ने पानी कभी कभी हम बतून भूल जाना उन दूसरा आदमी कुनान दूसरा आदमी कुनान तुम ले उन दिन कोई गान सुन अरे तुम्हार पोरु किनान इसी ब्योरे फिर हम तो कुनान अरे यो कब ब्योज अब जो सोशल मीडिया छे ना जरूरी नाते उन काम काज में व्यस्त रुनान लेकिन जब लगे सुनान में आप तो कुने छू ना लेकिन मेरे बाबा मैं सामने गाछी हूँ ऑर्केस्ट्रा प्रोग्राम लगा बहुत करियान मेल पिथौरगढ़ में लेकिन एक बहुत सेलेक्टिव वाल प्रोग्राम जो प्रोग्राम गान उनान उन गानान के गायबेर मंच में बहुत आत्मिक संतुष्टि मिलची जब मैं गाछू नहीं स्टेज में एक बार रू छू मेरे बाजू अगिल वाल कुर्सी में जब बैठ रूच ने उन सुनचिया उन बिहार आवे ने जब इजे तक ऊँचने मैं जब ताली बजुना था उठा तब मैं के मन में इस लाग कि सच में मेरे घर में कोई देवी वरदान छ तो लोग जब तारीफ करना उन्हों सीना ताफी चौड़ हो जाओ मैं मुख बैठे बोलने जरूरत में पड़ी उन्हर सामने देख भी उन्हर मुख उन्हर आंसू उन्हर सब देख भी नहीं मतलब नीरजा जी तुम मेडिकल फील्ड ले छा अन्य एक रिपोर्ट है हमारे नीति आयोग कि हमारे वहाँ चला मुकालाब चली के कहनी कम छ कभी तो मतलब जोले तुम दोनों के देखल मतलब सोचो उन माँ बापों पर कतु गर्व हुनिया हुनियाल जो तुम जय घर में तुम मूल जन्म ले तो यो भाव हम अपन चेलियों लीजिए के नहीं ला पाओ कि हमर चल है ज्यादा भल मगे लागो कि चेलियाँ ज्यादा अपन घर वालों अपन इष्ट बंधु बांधव ध्यान धनी और यो बिल्कुल सच बात मैं खुद ले यो अनुभव कर लूँ कि जो चेलियाँ छ वो अपन स्वराज ले जनी तो उन ध्यान धरनी और अपन घर वालों ध्यान धरनी
अब वो बात ले अगर यो इस यो तरह खबर और होने तो कतु दिक्कत है बात छे। बिल्कुल यो में मैं एक बात कून चाहे कि सब है पहली बाप मतारीन के अपन ननतिनान में भरोसा उन बहुत ज़रूरी छ। जैसे बच्चा अपने माँ बाप पे भरोसा करता है बचपन से लेकर कि मैं अगर यहाँ चलना शुरू जब करता है ना तो कि मेरे माँ बाप है मैं गिरूंगा भी ना संभाल लेंगे मुझे। ठीक बात है। वैसे ही शायद माँ बाप को भी जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है और अचानक तो ये हो गया कि स्कूल के बाद सब बिहार की विजन में गया ननतिनान पढ़ा करन हायर स्टडीज के लिए, तो बच्चे पे भरोसा करना बहुत ज़रूरी है। हमारे मम्मी पापा ने हम पे आंख बंद करके भरोसा किया है कि ये बच्चे जहाँ भी जाएंगे जो भी कर रहे होंगे वो अच्छा ही कर रहे होंगे क्योंकि उन्होंने हमें वो संस्कार वो शिक्षा दी है शायद कि हम। लेकिन अगर देवभूमि की ऐसी पिक्चर बनती है दुनिया में तो हम लोगों को सोचने के लिए विवश पड़ता पड़ता है कि हम किस दुनिया में आ गए कि आज भी हम डिफरेंशिएट करते हैं लड़के में लड़की में। जबकि मैंने आपसे कहा गया रमेश जी एक बात में कौन जान लिए मैं हमारे यहाँ कुछ ही नहीं अरे चल जरूर चैच तो तय के चिता में आग दिल कुछ ही ना हमारिया वही खिंच चला एक मेन ख्वाहिश हूँ की बुढ़ापा में शिव कर लो और चिता का आग दिल। अब ये कोरोना में इतुक इतुक मौत बहचन कि चलान ले उनर छुई लगने पाई उनूस अब उनर उनर चल उनक फैत किछु हमर जान में मेर जान में कत्तु कि तुम मौत हो रहे छन कि चलाल अग्नि तक लगन नसीब न उपाय कि चेलीन ले उनके और बुआरीन ले अग्नि दी रह छ। यो प्रत्यक्ष उदाहरण छन ये समय में कत्तु कुन ले चेलीन ले और बुआरीन ले अग्नि दी छ। तो यो सोच हमर देवभूमि आप सही कुन छ कि चेलीन को और चलान को जो अनुपात छ जो भेदभाव छ यहाँ उके सही करनो बहुत जरूरी छ। यो मानसिकता घर बैठे हुन जरूरी छ। ओके अखिल के जो आपू मन से जो आपू का सब भल लागो वो सुने दिया भलता मुगा बहुत बहुत लगना जो सब हुआ भल लागो सब है भल लागो जे अपना हमारी एक अपनी कंपोजिशन है। बिल्कुल बद्री बद्रीनाथ और केदारनाथ पंचकोटी देवी देवतान को याद कर बीर एक हमर रचना छ हम दुया ले लेख लेकर रखो के संगीत बद्ध लगा कर छे तो आकाशवाणी देहरादून में गा रखो गान अमूल्य। तो सब अपन उत्तराखंड में रूने सब लोगों की कुशलता की प्रार्थना करनो गीता माध्यम में। म्यार पहाड़ों में देवतों को वास जय बद्रीनाथ जय बद्रीनाथ। म्यार पहाड़ों में देवतों को वास जय बद्रीनाथ जय बद्रीनाथ। धुनी लगी रे जागर छ पूरी रात जय बद्रीनाथ जय बद्रीनाथ। धुनी लगी रे जागर छ पूरी रात जय बद्रीनाथ जय बद्रीनाथ। शिव जी बैठा धुनी रम बे बर्फीला केदार में शिव जी बैठा धुनी रम बे बर्फीला केदार में। डमरू बाजो ध्यान लाग्यो ह्यो कयो पहाड़ में डमरू बाजो ध्यान लाग्यो ह्यो कयो पहाड़ में। पानी पानी बयालु बतु छ देवतों की ओ भूमि छ पानी पानी बयालु बतु छ देवतों की ओ भूमि छ। घर कुड़ी उजाई है जाची इसियो जन्म भूमि छ घर कुड़ी उजाई है जाची इसियो जन्म भूमि छ। इष्ट भूमिया इष्ट भूमिया गोरिया की आई थात जय बद्रीनाथ जय बद्रीनाथ। धुनी लागी रे जागर छ पूरी रात जय बद्रीनाथ जय बद्रीनाथ जय बद्रीनाथ। बहुत ही सुंदर और मगे याद छे ने जहां दाननान छीत वो सुना उन्होंने रंगीली चंगेली पुतई जैसी आहा फुल फाटंगा जून जैसी ओ मेरी किसाना हिट सुवाओ उजाओ होगो चमचमो को घामा। आप सोचिए कि किस तरह की वर्डिंग्स लिखते थे। बिल्कुल आप शब्द देखिए उन्होंने कितनी सोची और सब प्रकृति से ओतप्रोत। बिल्कुल एक और बात मैं आप लोगों से करना चाहूंगा। परसों मैं देख रहा था एक आपका गीत जो था उसे जो हमारे मुख्यमंत्री जी है उन्होंने भी रिट्वीट किया था। बिल्कुल तो आपको लगता है कि ये जो सराहना है वो मुझे बड़ी खुशी हुई कि हमारे जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो इस चीज को आगे बढ़ा रहे हैं क्योंकि वो केवल आपसे जुड़ा नहीं है आप दोनों से जुड़ा नहीं है आप जो कर रहे हैं वो पूरे उत्तराखंडियत से जुड़ा है। तो ये कितना बड़ा आपको मॉरल सपोर्ट देता है।
देखो रमेश जी, क्या बात है ना, प्रोत्साहन हर किसी के लिए बहुत जरूरी है। क्या हमारे यहाँ कुनान ने कि अगर तुम तो कह कि पीठ इससे लगा थपथपा दिलाने वो काम करना को उत्साह और दुगनो चौगुनो हो जाए तो हम तो इसे गाते रहनू। और समय समय पे बहुत सारे लोग हम कह सहयोग करना, एक सहयोग में क्या लागत एक सम्मान है सब ठूलू। कोई ठूलो एक मंच में प्रोग्राम करवे, एक ठूलो शील्ड पकड़ा भी सम्मान है ठूलू। प्रेम वचन आशीर्वाद और कह की पीठ थपथपून और सहयोग करनो तो मुख्यमंत्री जूल सहयोग कर छे। हम तो गाते रहनु इसी के तो हमको बहुत बल लागे। वो लगे मेरे घर वाला ले इसी के ट्विटर में खोजन जैसे तो उन्होंने लिखे अरे तुम्हारे गाना से इसे रावत जूल इसे ट्वीट कर रहे थे तो बहुत बल लागे सच में। ऊ है अलावा ऊ जब एक ठुल पहुँच में पैठीनाक मैस ऊ गाना के सहयोग कर छे सपोर्ट कर छे तो ऊ कहने ऊ है बिहार लगे लोग सुनना। उ बाद उन गीतों का मैं क्या लागे कि मैं के पर्सनल मैसेज करवे लगे बहुत लोगों ले अलग अलग राज्यों बैठे शुभकामना भेजीन। और फिर उन्होंने उ बाद अलग और गीत लगे सुने तो ये गीत जो छ जो गीत हम गा रहे थे वो गीत में मेरा पूरा उत्तराखंड का महिमा छ। अच्छा तो वो महिमा मगर लागो दोबारा सुनाओ। बिल्कुल बिल्कुल। और ये गीत का आप जरूर सुनिया हम गाय लेकर आए थे और मैं सब लोगों को बतून चाहू। हमार पहाड़ जो पहली करिए शिमा एक पिक्चर छ हिंदी पिक्चर छ और रविंद्र जैन जी जन हम जनूल रामचरित रामायण सब गीतों की रचना कर रहा है। श्री कृष्ण रचना कर रहा है। ब्लाइंड होते हुए लगे उनके भगवान आँख ने दे रहे लेकिन संगीतक इतुक उपहार उनको भर भर वे दे रहे थे उन्हें। यो गीतक रचना लगा उन्होंने कर रहा है शब्द लगा उनारा छन और यशुदास जी और हेमलता जी गा रहे यो गीत के। तब उन्होंने उस समय पे उन्होंने हमारे पहाड़ धुन लीवे गीत बना रखा। आप इस गीत के माध्यम से देख सकते हैं कि एक टाइम था जब बॉलीवुड के लोग हमारे उत्तराखंड के उत्तराखंड भूमि पे गाने बनते थे, उत्तराखंड की खूबसूरती पे गाने बनते थे, पहाड़ी म्यूजिक पे गाने बनते थे, पहाड़ी राग पे गाने बनते थे। और आज का समय है कि हम लोग उसकी तरफ जा रहे हैं। हाँ, बॉलीवुड की तरफ। ये बहुत ही गलत चीज है। बॉलीवुड अलग राज्यों की धुन में चलो तो मैं कह ये लगे देखी दियो आसामों को बंगालों को पंजाबों को बिहारों को ये गान हिट हो जाओ मद्रासो गान हिट हो जाओ हमारे यहाँ जानते के नातिन उनके टीवी टाइप के हमारे वहाँ दिक्कत ये अच्छी ना अगर कोई भल गाल तो उ टांग खींचा। बिल्कुल यो जरूरत छ अगर वो भल गाना तो उ मदद करा सहयोग करा प्रोत्साहन दिया उ साथ ठाड़ लवा उ सक्सेस के सेलिब्रेट करा तबे तो हम सब आगे बढ़ूल। अगर मैं यो सोचूल के मकई आगे बढ़न से सब बाकी सब पछिल ले चलते ये तो नहीं चलत। बिल्कुल ना चल सकते। यो गीत सुने दिया आप जरूर सुनो बहुत भल गीत छ। नैनीताल में नैना देवी शिव जागे जागेश्वर ओहो हो शिव जागे जागेश्वर। अल्मोड़ा में नंदा देवी संगम पर बागेश्वर ओहो हो संगम पर बागेश्वर। गंगोली हाट के पाताल भुवनेश्वर चितई का गोलुदेव माना जाए घर घर। पग पग पर यहाँ तीरथ मंदिर पग पग पर यहाँ तीरथ मंदिर नित उत शीश नवाऊं ये है गर कुमाऊं। ना कोई अकबर ना कोई बाबर ना यहाँ शाह हुमायूं ना यहाँ शाह हुमायूं। सब है यहाँ दिल के शहजादे सब है यहाँ दिल के शहजादे ये है गणेश उमाऊं। हाँ, हमरो गढ़ कुमाऊं। इस गीत को पूरा सुनिए बहुत सुकून देने वाला गीत और संगीत सुनिए। मुझे लगता है आप दोनों महीने जो भी गाती हैं वो सच में सुकून देता है। थोड़ा सा मुझे असल में ना हम पहाड़ को अगर कोई बाहर का आदमी भी कहता था वो कहता था हमने आपके यहाँ का बेड़ूपा को बारह मासा सुना है। मैं चाहता हूँ उसको आप दोबारा गाएं और वो जो है ना वो बिल्कुल हमको एक बार फिर से उत्तराखंड से जोड़ देता। अगर हम उत्तराखंड से बाहर हैं या विदेशों में हैं ये एक ऐसा गीत था जो हमें उत्तराखंड से वापस जोड़ता है। बिल्कुल राज्य गीत भी कह सकते हैं इसको। और मैं कहते बहुत भल लाग चाहिए मोहन उप्रेती जूल हमार कहने के रूट उनर दगा जोड़ियान के लिए कि मेरे हमार उम्र लिख रहा जो उप्रेतीन की मैं अब यो थोड़ा डिटेल वालो जल कि एक उप्रेती दनिया अलमड़ में बस रहे एक पिथौरगढ़ की आयान के वे तो कहने का हमार पुरखा जुड़ियान उनर नामक दगाड़।
तो मैं के बहुत भल लाग छ उन्होंने गीत का गाबिर विश्व प्रसिद्ध कर छ तो दू लाइन हम जरूर गाल जेल हमर पछाण छ जेल हम पछाणी जानू बेड़ू पाको मेरी छेला बेड़ू पाको बार मासा बेड़ू पाको बार मासा नरण कफल पाको चेता मेरी छेला नरण कफल पाको चेता मेरी छेला रूड़ भूड़ा दिने गया रूड़ भूड़ा दिने गया नरण पूजो म्यारा मेता मेरी छेला नरण पूजो म्यारा मेता मेरी छेला अलमड़ा की लाल बजारा अलमड़ा की लाल बजारा हो नरण लाल मटर की सीढ़ी मेरी छेला नरण लाल मटर की सीढ़ी मेरी छेला सच में यो गीत का सुन भी रमू के बहुत बल लाग छ अपन उत्तराखंडा गीत उनका सुन भी रमू के लाग छ कि ये जन्मभूमि में हम पैद है रिया तो यो लका मूल्य की पुण्य कर्म करी नून जब ये देव भूमि अमर जन्म भेज अच्छा जब तुम अलमोड़ जैसा बाल मिठाई तो जरूर खेचा हो बिल्कुल बिल्कुल है हाँ बिल्कुल अब पत्ते आप कोई लोनी वाल छीने थे लेकिन अलमोड़ जब ले जची कोई ले जा मतलब मगे याद छे हमर पहचान या बाल मिठाई के लिए बेल ले छे सिंगोड़ी के लिए बेल ले छे तो आपो को लागो कि हमू के मतलब हमर सरकार छे या हम जतुक ले लोग छे उनु के चाहे हमर उत्पाद छे चाहे हमर कल्चर छे चाहे हमर गीत छे चाहे हमर मांगल छे जेले रूप में हम उनका अगिल बढ़ा सकनू उ विस्तार कर सकूँ हमको जरूर करन चाहिए अवश्य अवश्य सही बहुत सही बात आपको नचा ये लेकिन लोग जो हम संस्कृति कुनू ने संस्कृति सिर्फ एक लोक गीतों ले लकने बननी लोक नृत्य में शामिल छन हमर वेशभूषा शामिल छ हमर खान पान हमारे यहाँ जो सय बंछी हमारे यहाँ सियल पक्षी हमारे यहाँ भट्ट चुड़कैन पंछी हमारे यहाँ और जो अरसा बन्नान हमारे यहाँ सब पूरे राज्य का मिलावेर सब और जो हमर व्यवसाय छन हमारे यहाँ खेल जो हमारे यहाँ छन गुल्ली डंडा इनके प्रोत्साहन दिन बहुत जरूरी छ कारीगर जो हमारे यहाँ काम करना लकड़ा काम करना कर भल भल मॉडल बनना उनके एपन छन हमारे यहाँ उनके अगिल के बड़ून चैच बहुत जरूरी छे उन सब पहले याद छे पहियो डंडे उछी गुल्ली बहुत अच्छी बन छी बिल्कुल बिल्कुल सही बात छे बहुत अच्छी बात है आपने सारे जहां से अच्छा को संस्कृत में मैंने देखा उसका रूपांतरण किया है वो अपने आप में कैसे आप कर पाए कि आपने संस्कृत की शिक्षा भी ली है या आपको मन था कि नहीं इसको एक बार संस्कृत भाषा में इसको परिवर्तित करना चाहिए रमेश जी मैं बताऊं ये संस्कृत रूपांतरण इस गीत का हमने नहीं किया हुआ है हमने इसको जब मैं स्कॉलर सोमत ही जाखन में जो है देहरादून में वहाँ पर मैं संगीत की शिक्षिका थी तो एक गीत मुझे किसी गुरु के माध्यम से किसी एक किसी सब्जेक्ट के टीचर ने मुझे दिया था कि इस गीत को ज्योति बच्चों को सिखाना है तो एक गीत को किसने धुन पे पिरोया पहले तो मैं प्रणाम करती हूँ उन्हें हाँ संस्कृत में हम लोग बहुत सारी चीज़ें गाते हैं हम लोग श्लोकास गाते हैं चैंटिंग अपनी मंत्रास गाते हैं हम लोग और हम भगवत गीता हमने गाने शुरू करी है अभी 14वें-15वें अध्याय में है तो सारे जहाँ से अच्छा बच्चों को सिखाते सिखाते मुझे भी बहुत अच्छा लगता था कि एक अलग सा लोग भी और बच्चे मुझसे बोलते थे मैम हिंदी वाला हम अवॉइड कर देते हैं संस्कृत वाला गाते तो एक उन बच्चों को जिन बच्चों को आज की डेट में लोग कहते हैं ना कि हिंदी पढ़नी अच्छी नहीं लगती संस्कृत सिखाने से कुछ भी मेरे को लगता है कि संभव हो सकता है उनको बस सिखाना बहुत ज़रूरी है और इसमें मैं एक ऐड करना चाहूँगी आपने बोला कि संस्कृत की शिक्षा ली है संस्कृत की शिक्षा तो मुझे लगता है स्कूल्स में आजकल तो ये 6th-7th में आके शायद बंद कर दिए बच्चे लेते ही नहीं है पेरेंट्स उनको अलाउ नहीं करते हैं वो बोलते हैं तुम जापानीज सीखो फ्रांस की सीखो ये सीखो वो सीखो बट अपनी हिंदी और संस्कृत से बहुत पीछे कर दिया जी मैं आपको बताऊं बाहर के देशों में चाहे वो नीदरलैंड है हॉलैंड है और जर्मनी है
वहां पर संस्कृत को बहुत तवज्जो दी है, मैं अपनी आंख से देख के आया हूँ, बहुत तवज्जो दी जाती है और वो हमारे श्लोका को इतनी अच्छी तरह से प्रस्तुत करते हैं। लेकिन हमारा क्या, हमारी तो धरोहर है, हम तो सीख ही नहीं रहे। तो मैं कहूंगी कि हमारे मेरे पापा ने और मम्मी ने, मेरे पापा ने स्पेशली हमें बचपन से ये धार्मिक चीजें और संस्कृत उसकी तरफ हमेशा जोड़ के रखा, और उनसे ही शायद हमने ये संस्कृत का इतना अच्छे से उच्चारण करना शायद हमने अपने पापा से ही सीखा है। हम जब भगवद गीता शुरू कर रहे थे तो पापा ने कहा था कि बेटा तुम्हें कहीं पे कोई दिक्कत होगी क्योंकि इसके श्लोक थोड़े से टफ हैं तो मुझसे पूछ लेना। अच्छा। लेकिन शायद उनका सिखाया हुआ इतना वो था कि हम बस पढ़ते गए। पापा बोलते हैं 15वां अध्याय आ गया, तुमने आज तक मुझसे कुछ पूछा ही नहीं है। अच्छा, ये क्या होता है ना, आपने ठीक कहा कि आपको अपने परिवार से क्या मिलता है। बिल्कुल। मैं आपको बताऊं कि मैं 2-2, 3-3 घंटे प्रवचन करता था। आप यकीन मानेंगे मैंने कभी कुछ पढ़ा ही नहीं। बिल्कुल। क्यों? क्योंकि मैं सुबह से देखता था कि मेरे पिताजी, हमारी माताजी या मेरे परिवार में जितने भी लोग हैं वो कुछ ना कुछ इस तरह की बातें करते हैं, इस तरह के श्लोका, इस तरह की कहानियां, वो आपके अंदर बिल्कुल ऐसे बच जाती हैं। और जो चीज बचपन में रच बस जाती है ना, फिर उसे आदमी भूलता नहीं है। थोड़ा सा ये जो संस्कृत इसका भाव है वो जरूर सुनाइए। बिल्कुल। ये और विश्वेसी सर्वश्रेष्ठम गाएंगे, मेरे भारत के लिए है जो गीत। हाँ। और भारत की संस्कृति सबसे ऊपर है हमारी। विश्वेसी सर्वश्रेष्ठा भारत धरास्मदीय मदीय, विश्वेसी सर्वश्रेष्ठा वयमाश्य को किला स्मो अस्वाटिकास्मदीय मदीय, विश्वेसि सर्वश्रेष्ठा सर्वोच्च शैलराजो, यो व्योम भाल जुम्भे सहरे सपाशवर्ति प्रज्ञामतस्मदीय मदीय, विश्वेसि सर्वश्रेष्ठा। कितना, और ये गीत भी अपने आप में कितना सुंदर है। गोदी में खेलती हैं जिसकी हजारों नदियां, गुलशन है जिसके दम पर रस के जिना हमारा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। बिल्कुल। और आप सोचिए ना हमारे भारत के बारे में कितना सुंदर, मतलब हमारे यहाँ कहा गया गायंती देवा किल गीत गानी, धन्यास्तुते भारत भूमि भागे, स्वर्गापु वर्गा पद मार्ग भूते भुवंति भूयो पुरुषा सुर। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब इतनी इतनी पवित्र भूमि, देवों की भूमि। और हम लोग तो, मुझे लगता है कि आपको नहीं लगता जितने भी उत्तराखंडी हैं, मुझे लगता है वो ज्यादा उनके ऊपर ईश्वर की ज्यादा कृपा है कि उन्हें देवभूमि में जन्म लेने का मौका मिला। तभी मैंने मिला ना कि पुराण कर्म अच्छा कर रहा उन्होंने मूल्य तब तब जय मेरे। अब यो बाल ने भल कर्म करन चैन ताकि अगल बाल ने भल जाए जन्म मिला। अच्छा, आप लोगों को मैंने देखा आप संस्कृत के श्लोकास भी करती है, उसके बाद उसका भावार्थ भी करती है, ये भाव कहाँ से आया? ये वही बात है ना रमेश जी, सबसे बड़ा विद्यालय, सबसे बड़ी माँ हमारा परिवार, ये सबसे हमारा जो परिवेश होता है ना वो हमको बहुत कुछ सिखाता है। अचाल उनके छा हमने सब है, मैं अचाल उनका मतारे वान देख चुके क्या दिनान, अरे तय स्कूल वाले यू ने सीखूँ, तय टीचर अध्यापक यू ने सीखूँ, हम दूसरों मैं ही हमेशा ये बुरा खोजन में गया, वो कबीरदास जी दुआ ना, बुरा जो खोजन में गया बुरा ने मिलियो कोई, जो मन देखा अपनो मुझसे बुरा ना कोई। तस अपन गलती हमर भीतर छा, खराब हम छा, हम उल्ले तू आप क्यों ना परिवार में जो हम सीखनू तो वो हम के जिंदगी भर याद रूच। तो ये जो भाव छन ने दूसरा की सेवा करनी के, मैं दुख दर्द देखनो, गलत चीजों के खिलाफ बोलनो और यो भली चीज समाज में प्रचारित प्रसारित करना। पोर साल हम उल्ले जब कोरोना में देख छे ने शुरुआती दौर छे तो सौ लोग बहुत दुखी छा, हमारे पहाड़ में लगा उत्तराखंड में बहुत लोग उनकी रोजगार खत्म है गयो कि लेकिन जो पहाड़ उनमें रोजगार न करन चाह, अब जरूरी ना थी ना हर के की सोच एक जैसी हो, कोई नौकरी में बिहार के नहीं गेज, अब सब कुछ बंद है गयो ड्यूटी में इनकी, तो लोग अपन घर उनकी नून बैठियान कह की नौकरी नहीं गए तो उदास छा, बहुत अलग अलग खबर सुनने की नूंदे चारों तरफ बैठे। तो हमारे धर्म ग्रंथों में और सब ठुल जो प्रकाशक स्रोत छुना ने हमूल जब तू पढ़ा, हमारे सिर्फ आत्मा के भीतर, हमारे शरीर भीतर, हमारे मन सब जब शुद्ध हो जाना अगर, तब पूरी कोई शुद्धता की जरूरत है नाती नमू बिहार बैठे, कोई विचार उनकी जरूरत नाती नमू के, कोई प्रेरणादायक स्पीच सुनने का मुँह के जरूरत नाती, सब पहले हमूल शुद्ध रून जरूरी। तो भाव जो छो
अब हमूल्य सोचे कि संस्कृत में तो सब श्लोक श्लोक बोलते रुना तो वो भाव के लिए बताई जो एक सरल में व्याख्या करबेर तो हमूल्य शुरुआत कर छ जब हम खोलबेर पन्नो खोलबेर बैठा ना तो हमूल्य अपन अगली बार रख दिया पाँच छः पहली भगवद गीता समझ में ना आयो गीता प्रेस वाल कानू योग लिखिना एक बोलनू ऊक लिखिना एक बोलनू अलग अलग पहली तो मुझे डेढ़ दू मैन करीब सब पेन की व्याख्या पढ़ चे सब पेन ने अपन अपन हिसाब व्याख्या कर रहे तो कुना ने कि भगवत गीता जतुबाल का जो लिख अपन सोचा के हिसाब उसका कन्वर्ट कर दीजिए फिर तो हम समझ में ना आए अब हम पढ़ते गया तो हमारे भीतर भीतर ये सच्ची माने भगवान की देवी की अच्छी शक्ति एक भीतर भीतर ना आप ही एक भावार्थ ऊंच कि यो कौन चाहे उन्होंने चाहे संजय देरा दुर्योधन थे कि उन्होंने दुर्योधन लू समझ उन्हों तो शुरुआती जो श्लोक सब है पहली जब अर्जुन रण क्षेत्र में पुजरुनान तो दुर्योधन पूछना जब संजय थे कि वहाँ युद्ध मैदान में क्यों उन्हों में के बताता हमको राष्ट्र युद्ध है कुनान की क्यों उन्हों आखिर बता हमके हमके समझ में ना आए कि करना कैसे करना था हमले क्यों एक संगीत बद्ध करनु चल अच्छा। संगीत में बद्ध कर छे फिर हमले क्यों श्लोक श्लोक बोल बे तो काम चल अब एक अर्थ लग बतुनु लोगों के एक नए हिसाब था हमले शुरुआत कर छू आप लोगों का सामने हम बोलने चाल ड्यू लाइन उन्हें धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुयोत्सवः वामका पांडवाश्चैव किं कुर्वत संजय कि एक भली प्रकार लेकर बोलो डांट भी न बोलो वो मेलोडी वो मधुरता मूल्य राखी वो में फिर संजय दृष्टा तु पांडवाने कम व्यूढ़म दुर्योधनस्तदा आचार्यम उपसंगम्यम व्यूढ़म दुर्योतदा तो यो हम मूल्य शुरुआत कर ची की देख धीरे धीरे हम पूछ लिया ये योले मतलब यो करी ने तुम प्रयोग कर छा बिल्कुल और वो प्रयोग भगवान कृपाल भगवान कृष्ण कृपा जरूर सफल होल अब मैं जाते जाते अब तो एक प्रार्थना जरूर करो जब ले तुम मंच में गाछा तो लोग ले कनी ना थोड़ी यस सुनावा चटक भटक वाल थोड़ी जो हम नाच कर सकूं तो जाते जाते कोई चटक भटक वाले सुनाई जावा चटक भटक वाला का जरूर जरूर सुनू चटक भटक मेरे देखो चटक भटक ना हर कह का उम्र अलग अलग हिसाब हूँ कोई चटक भटक जैसे को ना चटपट वाल खानकिन बनेया कोई खुर्शियान तोड़ा देना उमे कोई भली प्रकार है सब चीज उनका मिक्स कर भी नहीं बढ़िया पकवान बनूना ना फूके तो यो अलग चटपट अगर हम उनसे कहलो ना बहुत गीत छन चटकाल जो हमार पुरान फोक में लगे नाच वे नाचना में विवश कर सकना कैसे ही तब हमार मेयर लेखी है कि एक रचना छू सुनू ना फूके यो रचना बारे में आपू का कौन चाँच यो रचना मेले अपन उत्तराखंड है बिहार चार पांच मंचून में जब योग के गाछ एक दो तीन बार तो मैं लेकला गाछ एक दो बार मेर बैन मेर दगाड़ छी तो जो हिंदी भाषी लोग छन जनू के हमार पहाड़क एक शब्द लगन उन तो उन ये गीत में उठ भी और ठुल मंचिए जो लोग छन जनू के मैं के कुना के पब्लिक फिगर लेके जैसे कह सकना ठीक तो उन लोग उठ भी जब ये गीत उनमें नाचन में गए इसने और उनके एक एक शब्द समझ में उन दियोचे गीतों उन राज्यों अलग अलग राज्यों बैठे उन लोग छन हमारे भारत तक तो ये गीत मैं कुछ पहाड़ी भाषा तब तो संगीत है कुना ने कोई भाषा ने उन संगीत हमारे पूरे विश्व स्तर की एक भाषा छ तो ये गीत में आप लोगों का चटक पटक ये गीत आपको सुनू चाल पहाड़ पराणी मेरी पहाड़ों की शान में पहाड़ पराणी मेरी पहाड़ों की शान में उत्तराखंड देव भूमि मट्टी पराण में उत्तराखंड देव भूमि मट्टी पराण में ओ मेरो जिला यो प्यारो पिथौरागढ़ गोहुड़ी ते मछ मेरो प्यारो घर यो हवा चली रे सुर सुर हवा चली रे यो हवा चली रे सुर सुर हवा चली रे ऊंचा धूरा हिमालय कडाणा बटी गेरा पातल गाड़ गधारा बटी यो हवा चली रे सुर सुर हवा चली रे यो हवा चली रे सुर सुर हवा चली रे यून का दिन बीत्या गयो बसंता यून का दिन बीत्या गयो बसंता
डाणा काणा फूल खिल्या मन में उमंगा, डाणा काणा फूल खिल्या मन में उमंगा। ओ आकारी तेरी वाज क्या भला लागनी, मिली जुली बेर घर कूड़ी सब चलूनी। यो हवा चली रे सुर सुर हवा चली रे, यो हवा चली रे सुर सुर हवा चली रे। बहुत ही सुंदर, और मैं बहुत धन्यवाद आप दोनों को देना चाहूँगा, ज्योति जी और नीरजा जी। और जिस तरह से आप काम कर रहे हैं, मैं आप लोगों से कहूँगा उस काम को आप आगे बढ़ाते रहिए। निश्चित तौर पे आप लोगों से बहुत सारे लोग प्रेरणा लेते हैं, बहुत सारे लोग सराहते हैं, और ये जो प्रोत्साहन है ये जीवन भर आपकी ताकत बनी रहे। आप आगे भी इसी तरह उत्तराखंड के लिए काम करते रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप देवभूमि डायलॉग के स्टूडियो में आए, हमें समय दिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।